इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे, दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा, दिल्ली का एलजी दिल्ली वालों का एलजी होगा, गुजरात से आया हुआ अभी दिल्ली के लोगों का एलजी होगा, दिल्ली के लोगों का विकास होगा। एक और पॉइंट है, जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता। दोस्तों, केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ। मैं आप मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बनने नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर एक नी, दो नी, तीन नी, 10 साल तक मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया है, सुंदर नगरी और नंदनगर की झुग्गियों के अंदर, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के। जब मेरे को दिल्ली की जनता ने पहली बार सीएम बनाया, असूलों के ऊपर 49 दिन के अंदर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता, सीएम बनने के लिए लोग अपना दायां हाथ कटाने के लिए तैयार होते हैं। मैंने खुद से अपने आप सीएम की कुर्सी को लात मार दी थी 49 दिन के अंदर। मेरे लिए सीएम पद इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मैंने सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद? दोस्तों, पिछले 75 साल में भारतवर्ष में इतने राज्यों के चुनाव हुए, इतने राज्यों के चुनाव हुए, दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती, 55-56% वोट, एक बार 67 सीट, एक बार 62 सीट, इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में नहीं जीती। इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद झूठा केस, अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर, उन्हें पता अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा, केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्तों, सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे, कतई इस्तीफा तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हम। ये अगर हेमंत सोरेन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए। अगर हमने इस्तीफा दे दिया ये तो बड़ा अच्छा है इनके लिए, जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो, उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो सरकार। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, इसको समझ लेना। केजरीवाल को किसी पद का लालच नहीं है, सीएम तो 100 सीएम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान है। मुझे पता चला मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावुक हुए, खासकर मेरी माँ बहनें महिलाएं बहुत रोईं, कईयों ने बहुत मन्नतें मांगी। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अपनी दुआएं, करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं भेजी हैं, पूरी दुनिया भर से करोड़ों लोगों ने दुआएं भेजी, उन्हीं के आशीर्वाद का कमाल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोग सब लोग सुखी रहें, देश खूब तरक्की करे, फले फूले, आप सब लोग खूब खुश रहें, ऐसी मेरी प्रभु से इच्छा है। भारत माता की जय।